संसद की सुरक्षा में चूक का मुख्य साजिशकर्ता ललित झा गिरफ्तार। संसद की सुरक्षा में चूक का मुख्य साजिशकर्ता ललित झा दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने करीब 7 घंटे पहले ललित झा की गिरफ्तारी की महत्वपूर्ण सूचना एक्स हैंडल पर साझा की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ललित झा ने गुरुवार रात समर्पण कर दिया। उससे पूछताछ की जा रही है। ललित की तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश दी थी। इस घटना के सिलसिले में पुलिस कई आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपितों के खिलाफ दिल्ली में भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना बुधवार दोपहर हुई थी। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल शून्यकाल की कार्यवाही को संचालित कर रहे थे। मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी दो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए थे। नीले रंग की जैकेट पहना एक शख्स सांसदों की सीट पर कूदने लगा। वह लगभग 3 कतार लांघकर आसन की तरफ जाने लगा। अफरातफरी के माहौल के बीच कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाकर उसे घेर लिया। मार्शल भी दौड़कर आ गए। तभी उस युवक ने जूते के अंदर से कुछ पदार्थ निकाला। इसके बाद वहां पीले रंग का धुआं उठने लगा। बाद में सांसदों और मार्शलों ने मिलकर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही स्थगित कर दी थी।